पेंटिंग ही करती है, बाप घर तोड़ता है और ये घर को पेंट करती है पेरू से। गाइस अभी मैं कर रही थी बेडरूम की डस्टिंग हो गई और बाहर हो रहा है इसके नाश्ते की तैयारी। चाय बनाया है और अभी ब्रेड घी में सेक रहा है। मैं तो नहीं खाना नहीं, मेरा पता नहीं मन ही नहीं कर रहा, मेरे को बस प्यास लग रही है। खाना खाने बैठी हूँ, कल मैंने दाल चावल बनाया तो बच गया था, बचा खाना। तुम लोगों को तो पता है मुझे फेंकना बिल्कुल नहीं पसंद है, तो अभी मैं खा रही हूँ दाल चावल। और अंडा तो बहुत यम बना था, अभी सर बैठे, सर से पूछ लेते अंडा अच्छा बना था कि नहीं। और ये पार्सल बहुत दिन से आया हुआ है, अभी तक वीडियो बना नहीं है, तो अभी इसका कुछ आइडिया सोच रहा है। और आंटी ने दी मुझे बैंगन की भाजी, क्योंकि मैं खाना खाते बैठी थी, तो आंटी ने बोले बेटा थोड़ा बैंगन की भाजी भी खा ले, तो बैंगन की भाजी भी दी है। अरे क्या हो गया? और हमारे मक्कू का मुँह चालू होगा। सो गाइस, जैसे कि बहुत लोग बोल रहे हैं आप मक्कू को क्यों नहीं बताते, तो इस वजह से नहीं बताते कि वो बहुत हमारा माशाल्लाह बच्चा बहुत टल्टर है, तो बहुत सी चीज़ें माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बोलती है, तो वो कभी बोल देगी तो फिर एक नज़र देख, कुछ लोग अच्छे नज़र से भी देखेंगे। बच्चे जो भी थे ना लोगों की नज़र से वो चल गए तो हमको नहीं दिखाना। और जैसे कि अभी लोगों की नज़र से भी एक होता है, और कुछ लोग होते हैं जो अच्छी नज़र बोलते ना माशाल्लाह बोल देते हैं, और कुछ होते हैं जो माशाल्लाह नहीं बोलते और सिर्फ बोलता अरे वाह कितनी प्यारी चीज़ है ये वो, तो कुछ लोगों की नज़र भी होती है, इस वजह से मैं नहीं दिखाती हूँ। अभी मक्कू को भी खाना नहीं है, दाल चावल मक्कू खाना खाइए, मैं भी खाना खाती हूँ, फिर आपको कर रहे हैं अपना वीडियो पीआर वीडियो। एक बना है तो बराबर नहीं बना है, अभी बैक कैमरा से ट्राई कर रहे हैं क्योंकि फ्रंट कैमरा से उनको नहीं जम रहा है, और क्योंकि फ्रंट कैमरा से उसको आदत नहीं है, मैं फ्रंट कैमरा से बना लेती हूँ पता नहीं। और ये अभी कैमरा सेट कर रहे हैं। हाँ तो फ्रंट कैमरा से बना सकते, सामने आईना है ना, दिख रहा तो है, रुकना तो चाहिए ना ये। अरे तो उसका तरीका है रुकाने का क्या? अब वो सेट हो जाता है, बहुत ऊंचा कर दिए। हाँ वैसा बेंड करोगे ना तो गिर जाएगा, क्योंकि ये बहुत पतला स्टैंड है ना। हाँ बस छोड़ो, सही दिख रहा है। और यहाँ पर चिड़चिड़ाते हुआ इंसान, बहुत ही चिड़चिड़ाता हुआ। मजा आती है मेरे को चिड़चिड़ करने झगड़े करने भाई, ठीक है। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग।
ऐसे मैं आऊँ क्या बीच में ऐसा वीडियो में, जैसे कि मैं दिखा तुमको पार्सल गिफ्ट कर रही हूँ, ऐसा बीवी ने दिया गिफ्ट। बनाओ बनाओ। और मैं अभी आंटी ने मेरे को बैंगन की भाजी दी, तो बर्तन वर्तन धो दिए मैंने, तो मैं ये दे रही हूँ आंटी को, खाली प्लेट कैसे दूँ, तो अभी ये दे रही हूँ क्योंकि बिस्मिल्ला बहुत शौक से खाती है, तो उसको भी पसंद है मुझे भी पसंद है, बिस्मिल्ला को भी मैंने देखा है खाते हुए, तो उसको भी ये दे दूँगी तो ये खा लेगी। जैसे कि अब मैं पिछले ब्लॉग्स में थोड़े से कमेंट देख रही थी, तो लोगों ने कहा अभी आप नमाज़ पढ़ने लगे, अच्छा लग रहा है। सो मैं अगर मैं करती भी थी तो मैं पहले ऑन कैमरा नहीं बताती थी, मैं बहुत ये होती थी, मैं सोचती थी यार हम जो कर रहे हैं वो हमारा लुकआउट है, हम नमाज पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे तो वो हमारा लुकआउट है, नहीं अच्छा लगता बताना, बताएंगे तो फिर लोग कुछ ऐसे भी बोलते हैं कि अरे दिखावा कर रही है, दिखा के नमाज पढ़ रही है, ये करी वो कर, इस वजह से मैं पब्लिकली नहीं बताती थी। बट मैंने पिछले व्लॉग में इस वजह से बताया कि मेरी वजह थी कि लोगों को लगता था कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं एकदम ऐसी हूँ, मैं तो नमाज नहीं, कुरान शरीफ नहीं, कुछ नहीं, कुछ 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 नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। कैफ भी अपना जगह पे नमाज कुछ सब कुछ हर कोई दोनों जन करते, पर कभी ऐसा शो नहीं किया क्योंकि कैफ को बहुत गुस्सा आता है, कैफ बोलते नहीं नहीं करने का शूट, कैफ मना करते, कैफ बोलते नहीं अच्छा लगता शूट वूट नहीं करने का, ये चीज़ के ऊपर से, तो इस वजह से मैं नहीं करती थी। मैं ऑफ कैमरा जो भी है मैं थोड़ा बहुत बोलते ना हमारे जितना हो सकता है हम उतना करते थे, चाहे एक वक्त की सही चाहे दो वक्त की सही, पर करते थे, बट ऑन कैमरा कभी शो नहीं किया। बट कल के ब्लॉग में पता नहीं कल के ब्लॉग में मैंने ऐसे क्यों आप लोगों के सामने आके सब कुछ दिखा दिया और बता रही थी ये वो, पता नहीं क्यों ऐसा किया मैंने, मेरे को भी कुछ समझ नहीं आया, बट आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अभी मैं खा रही हूँ केक जो रात को लाया था, कल भी मैं रात को भी बहुत आदर करती थी। अभी इसको वीडियो वीडियो बन रहा है इसका पी आर का आरू, तो ये सब हो जाए फिर उसके बाद में हम निकलेंगे। कम मक्स का है ना उस बेचारी ने कब से भेजी है। फिर उसके बाद मेरे को ना फ़ोन करना है इसको पैंट वाले को, उसने बोला था सैटरडे को फ़ोन करा, तो आज सैटरडे उसको भी फ़ोन करूँगी, उसको पूछूँगी भैया कब ये लगाएगा, क्या करेगा क्या नहीं, फिर उसके पास जाके वो चेंज करा के ट्रैक्स ले लूँगी क्योंकि कल से हम जाएंगे जिम। ये तो कल मैं यही टाइमिंग पे जाऊँगी, मतलब 4 से 4 बजे जाऊँगी, 1-1.5 घंटा मैं थोड़ा वर्कआउट करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा भी फर्स्ट मैं ट्रेडमिल पे ही चलूँगी और कुछ नहीं करूँगी, बस 1-1.5 घंटा भी मैं बस चल ली ना बहुत है मेरे लिए, क्योंकि मेन मुझे ये मेरा तो ऑलरेडी है शोल्डर पहले से, ये चीज़ तो मेरे को पहले से, क्योंकि ये बोलते ना खानदानी होता है कोई कोई चीज़ को, वो खानदानी है मेरे को शोल्डर, बस मुझे कम करना था मेरे थाइस क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वैसी हो गई हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ा वो कम करना है, बट आई जस्ट लव हर। बोलते ना लोग कुछ भी बोले बड़ी अच्छी है बेचारी अपने अपने जगह पर सब अच्छे, बस खुद को थोड़ा कम करना है। और हाँ मुझे कोई तो इतना प्यार करता है कि हर चीज़ मेरी नोटिस करता है कि दीदी नो स्पिन नहीं है दीदी दीदी। हाँ मैंने उस दिन जब मेरा इसका थोड़ा सा ना अनबन हो गई थी रो रो के, तो फिर ऐसे जब मुँह पोछी ना बहुत ज़ोर से, तो वो नो स्पिन का लॉक खुल गया और खुल के ना वो गिर गई, अब वो गिर गई तो मेरे को ना बहुत अजीब लग रहा है मेरी नाक उसके बिना, तो मैं सोच रही हूँ इधर इधर और इधर कराया जाए। आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं इधर करूं या ना करूं, दोनों साइड में डायमंड्स और बीच में एक, जल्दी आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं रेड बुल की वो बुल बनूं या ना बनूं, तो मिलती है आप लोग से थोड़ी देर। ऐसा भी मस्त मैं नमाज पढ़ ली, कज़ा पड़ी क्योंकि मेरा ना जोर का वक्त है ना, तो सभी टाइम मैं थोड़ा ये वो कर रही थी, फिर उसके बाद खाना वाना खाई तो थोड़ा टाइम निकल गया था, तो फिर मैंने बोला चलो कज़ा ही पढ़ लेती हूँ, फिर मैं जोर की कज़ा पढ़ी, फिर अभी असर का थोड़ा टाइम में टाइम मेरे को लगता है ये सब चीज़ बोलने के लिए। देखा मैंने बोला था ना कैफ बोलता है कि नहीं बोलने का, फिर भी मैं आप लोगों को इसके लिए बोलूँ क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो, तो इस वजह से बताना किसके लिए,
तभी थोड़ा भी टाइम जाएगा, फिर असर पड़ के फिर हम लोग निकलेंगे बाहर। पहले मैं लगाऊंगी पैंट वाले के, जैसे मैंने पहले बताया कि पैंट वाले के फुट, और जाके मेरे को जैनब के ऊपर भी देखना उसके पास जिम का शूज़ है नहीं है, नहीं है तो फिर मैं पूमा वूमा में जाके एक बार चेक कर लूँगी कि भाई कोई समझ आया तो वहाँ देख लूँगी, वरना ठीक है कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। तो कल से हम जाएंगे जिम। और कमेंट आ रहा है दीदी आपने वेट लॉस कैसे किया, तो दिन में 4 बार टेंशन लो और 1 बार खाना खाओ पेट भर के, तो आप खुद ब खुद पतले हो जाओगे। ऐसा नहीं है, बस पता नहीं अपना मेरा वेट थोड़ा कम हो गया शायद, माइट भी मैं थोड़ा मेरा खाने का रूटीन थोड़ा अच्छा कर रही हूँ शायद इस वजह से, क्योंकि मैं भी थोड़ा खाना वाना खा रही हूँ, नहीं तो मैं ऐसा था कि मैं खा रही नहीं थी मैं एकदम। उस वजह से भी ऐसा होता है कि जब तुम खाना ना खाओ तो भी वेट बढ़ता है, ऐसा मैंने सुना है, डॉक्टर ने भी बोला है मैं, तो इस वजह से फिर अभी मैं थोड़ा और अभी मैं चेक करूँगी कल जिम में कि मेरा वेट कितना है, फिर हम बोलते ना 31 तक हम थोड़ा वेट कम करने की कोशिश करेंगे। और कमेंट आ रहे कि रेगुलर तो जिम जाने वाली है नहीं, बस ओवर एक्टिंग के लिए ये वो वगैरह वगैरह ढमकाना ढिमकाना, तो जो सोचना है सोच लो, ट्राई तो करूँगी ज़रूर कि रोज़ जिम जाऊँ, बट आई होप कि मैं जा पाऊँ। चलो मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर में, कैफ का भी वीडियो बना के हो चुका है, तो चलो मैं आप लोग को वो भी दिखा देती हूँ कि क्या क्या है। जैसे कि ये बहुत हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अल कादरी परफ्यूम्स की तरफ से हमको ये पीआर के लिए ये आया है हमारे उनके फ्रेंचाइज ओनर की तरफ से आया है, जिनका नाम है मिस्टर मोहसिन मलकानी। यस, तो थैंक यू सो मच मोहसिन मलकानी भाई, आपने इतना अच्छा हमको ये भेजा। और यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत प्यारी पैकिंग, आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो, या आप किसी के बर्थडे पार्टी में गए हो, या फिर आपका कोई फ्रेंड है जो कहीं जा रहा होगा तो आपको उसको कुछ ऐसा गिफ्ट करना है कि वो फ्रेग्रेंस में भी ज़्यादा अगर एडिक्ट हो तो आप ये चीज़ भी गिफ्ट कर सकते हो, और एडिक्ट ना भी तो भी गिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि बोलते ना नॉर्मली इंसान लगाता ही है यार, उसको चाहिए ही, खुशबू बदन में चाहिए ही रहती है। मैं तो यही सोचती हूँ क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा एडिक्ट हूँ। ये जो इनका बेस्ट सेलर है, इसकी तारीफ तो हर किसी ने इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे सब जगह देखी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पीआर का जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने सिर्फ ये ही चेक किया है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने सिर्फ इतना सा लगाया है, अभी तक मेरे आंख से उसकी खुशबू आया, तो इट इज़ वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मस्त खुशबू है, और ये यूनिसेक्स है गाइस, हाँ ये यूनिसेक्स है, तो आप है ना चाहे लड़की को दो लड़के को दो तो कोई भी लगा सकता है, या फिर किसी के एनिवर्सरी है तो आप उन दोनों को एक साथ गिफ्ट देना, तो आप ये दे सकते हो कि भाई तीन तुम रख लो तीन तुम्हारे हस्बैंड रख लेंगे। तो पैकिंग भी बहुत प्यारी है माशाल्लाह, बॉटल्स भी आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी पैकिंग के साथ आया है ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद में और ये एक आया है, ये क्या है कैफ, एक सेकंड मैं एक हाथ से कर रही हूँ ना, तो जरा बता दो, एलिगेंस ट्रायो है, एलिगेंस ट्रायो, तो ये थ्री इसके लिए ट्रायो है क्या, हाँ थ्री बॉटल इसके लिए ट्रायो है क्या, ट्राय हाँ है ना, गुड मॉर्निंग। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे है छोटा उदल हाशमी, Okay. यहाँ पे है इसका ये बड़ा उदल हाशमी, बड़ा वर्जन, हाँ बड़ा, मतलब जैसे अभी छोटे वर्जन में अगर खुश नहीं हो पेट ना भरा हो तो आप इसका बड़ा वर्जन भी ले सकते हो। Nice. ये मैंने चेक किया है गाइस, ओके ये बहुत अच्छा है, हाँ हकीकत में बहुत अच्छा, तो फिर मैं यही वाला लूंगी तेरे लाइक की, वाओ नाइस, वेरी नाइस वेरी नाइस, ये लगाने के बाद थोड़ी और खुलेगी फिर, ये बाकी मेरे हैं, ये तेरा एक है, मैंने तेरे को दे दिया, दो हाथ रख लिया अपना, दो हाथ के तीन हाथ रखूंगा, बेकार आदमी है। क्या हुआ, तो आप देख सकते हैं बहुत प्यारी पैकिंग के साथ आ चुका है, आप चाहे तो किसी को ऐसा छोटे छोटे, ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, हाँ ये जेब तो में आराम से आ जाएगा, जेब में भी आएगा और कहीं हम बाहर गए तो ऐसे नॉर्मली, और ये पर्स वगैरह में आराम से आ जाएगा, बस इसको डिक्की में नहीं रखना, हाँ डिक्की में रखोगे तो डिक्की में नहीं रखना, ये उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप लोग को भी चाहिए तो इनका आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, लिंक विंक सब डाल देंगे, मैं मोहसिन भाई का इंस्टाग्राम आईडी मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग डायरेक्टली मोहसिन भाई को कांटेक्ट कर सकते हो, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मोहसिन भाई ने हमको बुलाया है इनके स्टोर पे, हम स्टोर पे भी विजिट करेंगे, बहुत जल्दी जाने वाले, हाँ ये जो अभी आपड़ा तपड़ा चालू था ना उसकी वजह से हम लोग को जाने नहीं मिला,
तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग उनके स्टोर पे जाने वाले हैं। आज उनका मैसेज भी आया है, अभी मैं उनको कॉल करके बात भी करूंगा उस चीज़ के। कमेंट दोनों के, दोनों जन एक दूसरे को सॉरी क्यों बोलेंगे, मेरी गलती तो है नहीं, मैं तो मेरी भी जरा नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग को बाय करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ये सब देख सकते हो, उनका लिंक विंक सब जाके ओपन करके। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही प्यारी खुशबू है। और गाइस ये नहीं सोचना एक्सपेंसिव है या क्या बोलते हैं चीप है, ठीक है, दोनों भी चीज़ नहीं देखना। जो शौकीन होगा ना, जिसको ये सब चीज़ें पसंद होगी, तो वो ये चीज़ ज़रूर लेगा। मैं आप लोगों को एक चीज़ सिंपल सा एक लॉजिक बता दूँ, अगर आप लोगों को रिच फ्रेग्रेंस पसंद है तो आपको ये बहुत ही रिजनेबल रखेंगे, इसके रेट बहुत ही रिजनेबल, क्योंकि जैसे अभी हम गुची लेने जाए या फिर हम अपना क्या नाम है ग्लू गुची फ्लोरा, ये वो बहुत से ब्रांड्स हैं जिसके विक्टोरिया सीक्रेट हो गया, जो लड़कियां बहुत ज्यादा करके यूज करती हैं, ठीक है। सो अगर आप विक्टोरिया सीक्रेट में हम जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली तो हमको सब कुछ स्वीट ज्यादा मिलती है, तो हमको ऐसा रहता है कि यार हमको बाहर नहीं मिलेगा ये वो, तो बट आपका ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पर स्वीट भी मिलेगा। बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि उनको यूज करना है तो नॉन अल्कोहलिक यूज करना है, तो गाइस ये बेस्ट ऑप्शन। यस, और ये नॉन अल्कोहलिक, आप नमाज को भी जाओगे तभी भी आप ये लगा के जा सकते हो। तो एनीवेज मिलते हैं मैं आप लोग से थोड़ी देर। जैसे कि कैफ ने तो भूल गया बताना ये बॉक्स के अंदर ना ये लेटर, यस ये एक लेटर दिए है, डियर कैफ एंड शिन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो क्या, हाँ तो अभी कैफ यहाँ पर पढ़ेंगे। आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू विल, as I am Mohsin Malkani, franchise owner of the two outlet of Adil Qadri brand located in Jogeshwari West, Mumbai and Navsari, Gujarat. I wanted to reach out to you today regarding a special gift we would like to send you. I have been following your incredible content on YouTube from last 2 years. Thank you so much for that. Shirin, thank you. Thank you. And I am truly impressed with the passion and dedication you bring to your channel. Therefore, I would be honored if you could accept a perfume gift from our brand. Adil Qadri is renowned for crafting exquisite fragrances that combine sophistication and elegance. Itni English nahi aati kefo. In addition to sending you the perfume as a token of our appreciation, we kindly request that you consider creating a video on your YouTube channel and on your Instagram story showcasing the perfume, sharing your thoughts and experience with your audience. We are confident that your expertise and influence will greatly benefit our brand. My Instagram ID is Mohsin_Malkani. Thank you for accepting the small gift from my side. Jazakallah. बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, आपने इतना प्यारा एक लेटर भी भेजा हमको और इतने प्यारे तोहफे भेजे हमको। सो वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी, हम बहुत खुश हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग एंड जज़ाकल्लाह खैर। अभी हम लोग निकल गए हैं और जा रहे हैं पहले पैंट वाले के पास, क्योंकि सो हम दीदी अभी उसके बाद में माल नहीं आएगा ये वो वगैरह वगैरह, अभी आ सकते हो आ जाओ, चलो ठीक है चलेगा। तो लगे हाथ मैं शूज़ भी देख लूँगी, तो सिर्फ देखूंगी लूंगी नहीं, क्योंकि मैंने जैनब के तो कंफर्म नहीं किया है, तो देखूंगी मेरे को अगर थोड़ा समझ समझ आया। सिर्फ देखने के लिए जा रही है? मैं विंडो शॉपिंग करने जा रही हूँ, पैसे लेके, ठीक है मैं खर्चा करती हूँ। तो लेट्स गो एंड सी। फाउंडेशन लगाया ना जो मैंने लिया था लाल डब्बी वाला, वो इतना अच्छा है, 150 rupees का, इतना रिजनेबल रेट में। अगर आप लोग को चाहिएगा तो मैं उसका वीडियो या फोटो कुछ डाल दूँगी, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आप लोग को मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई आइडिया नहीं है मुझे कि वहाँ आपके यहाँ पर मिलेगा नहीं मिलेगा, बट हमारे में मार्केट में मिल गया था मुझे उस शॉप पे, तो शायद मिल जाए आप लोग को भी। आप देख सकते हो मैंने उसके ऊपर कंसीलर वंसीलर कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ वो लगाया हुआ है, खुद ही अपने आप फेस शाइन करता है, खुद ही अपने आप सब होता है, बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों को भी चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करना ये वाले वीडियो में, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो मैं फिलहाल मैं बाहर जा रही हूँ, फिर मैं भूल जाऊँगी बाहर जाने के बाद, इसलिए तो आप लोग ये वीडियो पे कमेंट करो कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट रहेंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को और उसको अप्लाई करके भी बताऊँगी, ठीक है। फटाफट अभी कैफ आ जाए, और मैंने लिपस्टिक बताया आज कैसे कर एकदम थोड़ी सी और हाथ से ही फैला दी कि ज़्यादा दिखे ना ओवर हैंड वापस करने के लिए, और लोग कितना बापरे बेचारे लोग को धंधा तक लगाने नहीं दे रहे यार, सब लोग यहाँ से वहाँ से आप भाग रहे सामान ले लेके, अल्लाह
अभी पूरा सामान उठा देंगे बेचारे लोग का यार। अरे यार पूरा माल लेके जाएंगे अल्लाह। तोबा तोबा तोबा, इतना गलत है ना। बट इन लोग को टाइमिंग मिला है, इन लोग ने उठाया ना, इन लोग भी उठा लेना चाहिए था। अरे ऐसा ही लेके उठ के निकलना, ये भी तो थैले में डालते खड़ा है एड़ा। मुझे ये दोनों, ये कलर ब्लैक मुझे चाहिए, पिंक नहीं चाहिए। और ये मुझे अच्छा लगा बट पिंक कलर नहीं चाहिए, मुझे सब ब्लैक चाहिए। ब्लैक नहीं है तो अगर मेरे को कहीं और नहीं समझा तो यही लेना पड़ेगा मुझे। चलो पैंट तो मुझे मिली नहीं, पैंट मेरी तो चली गई पर नहीं मिली क्योंकि वो भैया ने ना सब उठा के रख दिया अंदर। अभी डर के मारे कि गाड़ी रिटर्न ना है क्योंकि गाड़ी की एक्चुअल मेरा BMC ऑफिस यही है। तो इधर ये देखो ना बाटा लिखा हुआ है, तुमको दिख रहा नहीं है क्या? मैंने अभी यहाँ पर जहाँ पे शूज देखा ना, मैं तब से रुकी कि अभी लगाएंगे, भैया नहीं लगा रहे, भैया रिटर्न भर रहे। तो भैया ने बोला मैं 7:30-8 बजे लगाऊंगा रिटर्न। तो अभी कह बोले कि अभी वापस आने का नाटक नहीं चाहिए, तो कल ही आके देख ले। तो अभी मुझे बस कल एक दिन के लिए कल जाके मैं मंगता है तो पैसे भर देती हूँ, फिर मंडे से स्टार्ट करूँ। तो कल से जाने वाली थी क्या हुआ? तो ट्रैक नहीं है ना मेरे पास, कल संडे से। हाँ और पब्लिक भी बहुत आएगी, आई डोंट वांट पब्लिक क्योंकि सब मुझे देखने लगता है। मैं भी खूबसूरत जो हूँ है ना यहाँ पर, मुझे बहुत डर लगता है। तो चल अभी दूसरी जगह आए हम लोग, इधर हैं अभी चाटा खाएंगे, बाटा में चाटा पड़ने वाला है हमको पैसे का। तो चलो अंदर घुस के देख लेते। मैं यहाँ पर आई बाटा में, बाटा में इतना बड़ा चाटा क्योंकि मिला ही नहीं मुझे कोई भी जूता, कोई अच्छा दिखा ही नहीं। और जो दिख रहे हैं वो विदाउट लेस है और एक दो मेरे को पसंद आया, पर जिसका सोल इतना कड़क है, इतना कड़क, तो मुझे कड़क सोल वाले तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो अभी हम दूसरी जगह जा रहे हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर गुची का भी तो शूज है। अभी मैं जस्ट इधर से निकली हूँ, क्या नाम है मैडम को, पुमा लेके गया, पुमा में भी उसको कुछ पसंद नहीं है ना। मुझे पुमा में पसंद आया और इधर भी बहुत सारे थे, नाइकी था, एडिडास था, स्केचर्स था, फिला था, सब कुछ था, पर इधर भी मेरे को अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों। जो मैंने एक बार देखी ना पिंक कलर वाला, पता नहीं कैमरा बंद हो गया और मैं बात करती जा रही हूँ। बताओ मेरे को पिंक कलर पसंद नहीं आता, मुझे ब्लैक में चाहिए, पर ना पता नहीं मेरे को अभी वो पिंक कलर का देखी ना मैंने, तो मेरे को ना वही अभी दिमाग में घूम रहा है कि वो अच्छा था, एकदम कम्फर्टेबल था, कम्फर्टेबल। क्योंकि मेरे को ना यहाँ पर सबके सोल है ना एकदम कड़क कड़क मिल रहे नीचे से, और मुझे नीचे से कड़क सोल वाले पसंद नहीं आते, मुझे ना जो एकदम मुड़ जाता है ना वैसा पसंद आता है। तो अभी तो अभी वही क्या क्या देखते हैं आगे, आगे क्या है, आगे देखते हैं। तो चलो ढूंढ रही हूँ अभी, पता नहीं, नहीं तो फिर वही ले लूँगी, वही सही है मेरे को तो, सही वही लग रहा है क्योंकि मेरा इतना मेरा पैसा डाल के वेस्ट मैं लूँ क्यों, वो भी अच्छे खासा रेट का, ये भी अच्छे खासे रेट के, बट प्राइस मैटर नहीं करता। अपने को पसंद आ भी तो अपन लेंगे ना, उनको पसंद ही नहीं आ रहा है, इतने शूज़ दिखा दिए पिंक कलर तो इतने भर भर के भरे, नियॉन नियॉन नियॉन, वो चीज़ तो मेरे को सख्त नफरत है वैसे वाले कब शूज़ हो तो, और वैसे ही शूज़ दिख रहे हैं मुझे सब। फ्रेंड यहाँ पर आके खड़ा हो गया, मैं उसको पूछ रही हूँ वुडलैंड में ये है उधर देखो रखे हुए, देखिए क्या एक बार लेडीज नहीं हुए। तभी मैं वुडलैंड में गई, वुडलैंड में भी देखी मेरे को अभी शूज़ एक समझ आया, कुछ 5000 के आसपास का था, पर मुझे अच्छा लगा, बट ना उसमें ना थोड़ा पर्पल कलर का जो कॉम्बिनेशन है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो ऐसा लोकल शूज़ दिख रहा है वो, नहीं तो वो पूरा ब्लैक होता था क्या ही डिसेंट दिखता था भाई। बाटा में देखते छाटा मिलता ही नहीं है। क्या हो गया, कौन सा परफेक्ट है, कौन सा
दोनों ही परफेक्ट है, वो एक ही पैर है, एक ही पैर है ना। हाँ, कौन तो फिर ले लेना यही। ये इधर ही रहता है ना? किधर? ये पट्टा इधर इधर आता है क्या? नहीं, बराबर है। बराबर ना, तो यही ले। कितने की है? 6 रुपीस ना। ले ले। पास लिया है ड्रॉर का, क्योंकि मेरे को ना मेकअप वेकअप रखने जगह नहीं होती है, एक ही उसमें तो ले रही हूँ। और पैसे निकालो, 100 रुपया। अरे दे रहा हूँ ना शिविर। और जरा पर अब्बा चेहरा तो वो भी ले लिया। के लड़के को भेजी जाके चप्पल ले 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 ले, नहीं सुन रहा है। वहाँ पर भी बोली नहीं लिया, अभी देखो मुँह बना रहा है। बहुत नखरे हो गए इसके, मालूम नहीं क्यों उसने नखरे करने लग गया लड़का। ये शॉपिंग और ये मैंने को एयरविक भी चाहिए था, तो मैंने मेरे लिए भी ले लिया रूम फ्रेशनर। जबकि घर में मेरे दो दो तीन तीन पड़े, फिर भी मैंने ले लिया कि हमको रूम फ्रेशनर की बड़ी ज़रूरत है। पता नहीं क्यों मुझे घर में 24 घंटे ऐसा लगता है कि रूम फ्रेशनर ही मारते हैं। अभी निकल रहे हैं यहाँ से, जा रहे हैं मार्ट के छोटे स्टोर में। मेरे को ना पानी की बॉटल भी चाहिए, तो वो देखने के लिए आई हूँ। क्या हुआ? अच्छी तो है, अच्छी है। ये लूंगी, ये भी देख रही हूँ। नहीं नहीं ना, बहुत बकवास। पानी की बोतल ले ली, और पानी की बोतल वही बड़ी वाली ली मैंने, क्योंकि कैफ ने बोले वो अच्छी रहेगी कि तू दिन भर में देखेगी तो तू पानी। वीडियो बंद हो जा रहा है बार बार, मैं बात किससे कर रही हूँ मुझे यही नहीं समझ आ रही। तो मेरे हाथ में सामान ले, कैसे हटकाया हुआ मैंने, तो आप लोग से मैं सीधा घर पे जाके बात करती। ये बंद निकल रही है, आती हूँ मैं एक दो सामान लेके, जाती हूँ बहुत सारा सामान लेके। ये तो मेरा ये नया लिया हुआ, और ऑर्गेनाइजर मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कैसे मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। सीढ़ी तो नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। गाइस गाइस आज बहुत एपिक सीन करके निकली ना, इससे छोटा है तुमने गिरगिरी दिया थे। गाइस आज बहुत एपिक सीन हो गया, आगे का ब्रेक खुद दबा रही है, मेरे को दिख रहा नहीं है, मैं जैसे अंधा हूं पीछे बैठे। नहीं नहीं, मैंने आगे का ब्रेक नहीं था भाई जान, बोल गिर गए बाइक पे से। बराबर देखा कौन सही था कौन गलत। नहीं 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 सुनो, वहाँ पर ना जैसे हम निकलते हैं गाइस, तो स्टार्टिंग में ना पूरी मट्टी है, ठीक है। तो वो हुआ क्या मालूम है, मैं गाड़ी स्लो करने गई, तो गाड़ी जब स्लो करने गई ना, तो क्या हुआ ब्रेक मैंने जैसे दबाया ना, तो पीछे का टायर पूरा सटक गया। पीछे का नहीं सट गए यार, पीछे का सट गया। अरे यार पीछे का सट गया, मैंने पैर आगे करी ना, मतलब सुनो मैं उड़ के गया, मेरे को मालूम ना कौन सा क्या हुआ यार। सीरीन तेरे गाने की घुटकी में थी, तेरे को ये भी नहीं मालूम तेरे कौन सा ब्रेक मार रही है। देख सकते हो हमारी गाड़ी को हो गया डैमेज, पता नहीं किसकी नजर किसकी टोक हसद लग चुकी है हम लोग को। देखो ये देखो, और मेरा घुटना भी छिल गया है। इसकी गलती से गिरे, मैं मानती हूँ गलती थी मेरी, पर मेरे को याद ही, मेरे को पूरा ब्लैंक हो गई हूँ मैं। अभी क्या हुआ मालूम है कि गलती मेरी नहीं थी, गलती क्या थी मालूम है कि जब हम लोग बाइक चला के जा रहे थे ना, तो चलाते वक्त क्या हो गया ना कि हम मेरे को मारना था लेफ्ट, ठीक है। मैं लेफ्ट मारने जैसी जा रही थी, मैं लेफ्ट मारने जैसी, नहीं 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 मेरे को यहाँ से शाम पीने के लिए कुछ खोल डिक्की, एक सेकंड गाइस ये देखो, झूठ लगाएगा ना, बाइक का तो हुआ ही हुआ। लगी है मिट्टी, ये देखो पूरा कपड़ा गंदा है इसका। घूम ये बाजू घूम, ये देखो और मेरा घुटना भी फट गया ये वाला।
वो गाना गाते गाते गाड़ी चला रही थी ना। नहीं चलो कोई ना, कि ज्यादा कुछ नुकसान हुआ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग को लगा नहीं ज्यादा। ये तो अच्छा है बाइक के साथ बैठ गई, मैं जो उड़ के गया था ना वो मेरे को मालूम है कैसा उड़ के गया। इतने लोग वहां पर थे, मेरे को लिटरली कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैंने स्पीड पकड़ी, लेफ्ट मारना था, स्पीड पकड़ी और जैसी स्पीड हो गई लेफ्ट मारने के लिए तो ओवल शेप में ना एक बहुत बड़ा खड्डा था वहाँ पर। वो खड्डा बचाने के चक्कर में तेरे हाथ से ब्रेक आगे का दबा। तब अब वो मेरे को समझ नहीं है कि क्या हुआ, अब मैं पूरी की पूरी ब्लैंक हो गई। और जब ब्लैंक हुई तो कुछ भी नहीं समझ आया। आगे बात करते चल। मैं घूम रहा है और ये लोग का शिबा मसल्लू और यहाँ पर ये छिलेला मस्ती कर रहा है। ये हमारा भाई हाकला कहाँ बैठा है? हाँ भैया क्या मस्त बैठा है यार, कोई स्टोरी बता रहा तो बुरान हंस रहा है मेरे ऊपर। मैं फोन पे उसको बोला गिर गए हम लोग दोनों तो हंस रहे थे, गदेला गिर गया। नीच भाई है ये मेरा, इतना हंस रहा है। और ये देखो एक अलग मेरा आदमी भी एक अलग हो गया, ये भी एक अलग मिल गया। मेरे को कसम से मैं क्यों यहाँ पर हूँ मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है। और ये बता रहा तो ये हंसते जा रहे हैं। अच्छा ऐसा रहने के बाद भी देखो मालूम है एक सीन, ईयरफोन है ना, ईयरफोन यहाँ का यहाँ नहीं हुआ ईयरफोन, और फोन भी बराबर आ गए और ऐसी छे और मैं हंस और हंस रही। अरे क्या हुआ बोले, अरे क्या हुआ, हमें सिर्फ हंसी रही थी। हंसी बहुत आती है गिरने के बाद। अरे बहुत हंसी, मैं तो बहुत हंसी। सब लोग मेरे को बोलते शिरीन तू घर पर जाके, क्योंकि सब लोग पहचानते ना मेरे को बचपन से देखे हुए, तो सब लोग अलग का चल रहा है सब लोग का कि भाई नहीं इसको ना शिरीन तू घर पर जा, शिरीन तू घर पर जा कपड़ा बदलो इसका। नागा गिरता ना हंसते के साथ, क्या क्या होता वाले लोग चार जन थे जो आ रहा था वाले मेरे जले पे नमक गिराया जा रहा है, बहुत जोर से गिरी और बहुत मजा आया मेरे को, क्योंकि मैं लाइफ में ऐसा वाला जो गिरी हूँ ना, लाइफ में पहली बार गिरी, पहली बार, वरना मैं कभी नहीं गिरी थी बाइक से, मेरे हाथ से कभी ऐसा हुआ नहीं, कि आज तक हुआ ऐसा मेरे हाथ से इतने साल में कभी नहीं हुआ, पहली बार आज हुआ, वो भी सिर्फ खड्डे के वजह से। अब मुझे वहां पर जाके हल्दी का पानी डालना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बताती हूँ, मेरे को इतनी सी चोट आई पर वो चोट बहुत जल रही है। ये देखो गाइस, ये है जो मुझे लगा। बिना हम लोग आए हैं काटा रोड लो, और अभी वहां सम बूस्ट के पाइनएप्पल, और हाफ पाइनएप्पल 100 रुपीज का, और दो प्लेट 60 रुपीज़ का, वो भी एक प्लेट में 6 पीस, और ना महंगा देना पतले पतले, और वो भी एकदम नई के बराबर काट रहा है अंकल भी। और ये लिया खमदानी को, रोज रात को उसको फ्रूट खाने की आदत हो गई है ना, पंचायती बुड्ढा हो गया, नीचे ऑफिस में जाके बैठ के बात बात करता ऑफिस वाले अंकल से। सो गाइस देखो मैंने ना खमदानी के लिए क्या ली, मतलब मैं पाइनएप्पल तो ली और इसको ना ये ना ग्लूकोविटा है, यस ये ग्लूकोविटा बहुत पसंद है, नाम भूल जाती है यार। और ना इसके अंदर ना ग्लूकोविटा के साथ ना गाइस ये देखो ये स्टिकर फ्री मिले मोटू पतलू के, ये फ्रिज पे चिपका सकते हैं मैग्नेट वाले, तो अपुन है ना वो बात और है। अभी जारिस को फटाफट ऊपर दे भाई जान, खाना खा के तो हो गया, अभी मैं खा रही केक और फिर उसके बाद में सीधा बिस्तर, और कुछ भी नहीं, बहुत नींद आ रही अभी तो मुझे। और आज का दिन बहुत ही मज़ेदार रहा, तो मैं कल से नहीं जाऊंगी क्योंकि कल संडे, तो बहुत पब्लिक होगी जिम में, तो मैं मंडे को जाऊंगी, और संडे को वैसे भी हाफ डे रहता है जिम, तो इसके लिए मैं मंडे से जाके ज्वाइन कर लूँगी। तो आई होप कि अच्छे से कर पाऊँ, और आप लोग मुझे मोटिवेशन देते रहना, ठीक है। और कुछ नहीं, बस यही ख़त्म होता है आज का हमारा दिन। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्यार देते रहना, प्यार बढ़ाते रहना। इंशाल्लाह मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।